हेलो दोस्तों, मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू एंड एंजॉय द वीडियो। दिस इज मी ममता सचदेवा वंस अगैन विद ऑल ऑफ यू, और थैंक यू सो मच जिन्होंने भी इंस्टा मेरे पेज के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस मुझे ढेरों लिख के भेजे हैं, जिस पोस्ट पे मैंने हैशटैग आस्क ममता आपसे पूछा था। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और आज मेरा मन किया कि क्यों ना आपके क्वेश्चंस के कुछ एक जवाब दे दिए जाए। एक्चुअली काफी दिनों से ये हो रहा था कि आहान शर्मा जी मुझे घर पे आके कोई भी काम नहीं करने दे रहे थे, और डेफिनेटली फ्लाइट्स के ऊपर भी मैं बहुत थक जाती हूँ, और फिर वहाँ जाके मुझे लालच भी होता है कि मैं ट्रैवल की वीडियोस बनाऊँ, तो कभी कभी कमरे में बैठ के भी वीडियोस नहीं बनाने का टाइम मिलता मुझे। तो लेकिन आज मैंने ये ठानी कि नहीं, कुछ एक वीडियोस तो मुझे आपको जवाब देने ही हैं, तो आज मैं बैठी हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, जो कि ये क्वेश्चन हमेशा से पॉपुलर है, ये अभी भी बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आज इस वीडियो का टाइटल जैसे क्या है, टैटू एंड मोर, तो उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि क्या टैटूज की इशू है, क्या उसके पीछे की स्टोरी है, क्यों टैटूज अलाउड नहीं होते हैं, और मेरे आर्म के ऊपर भी टैटू है तो हाउ आई ज्वाइन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो टैटू से रिलेटेड जो भी मेरे माइंड में है, मैं उनको क्लैरिफाई करने की आज आपके लिए कोशिश करने वाली हूँ। सो सबसे पहले, क्या टैटू अलाउड है? जी हाँ, टैटूज अलाउड होते हैं, लेकिन टैटू वहां अलाउड होते हैं जहां किसी कंपनी में जहां आप काम करने वाले हैं वो विजिबल ना हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर एयरलाइन में एज कैबिन क्रू एयर होस्टेस काम कर रहे हो और उनकी यूनिफॉर्म अगर हाफ बाजू की है फ्लाइट में, और आपका जो टैटू है वो आपकी आर्म के इस जगह पे है जहां से वो नजर आएगा, तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपकी एयरलाइन ऐसी है जहां पे शर्ट है लंबी बाजू की और आपका टैटू जो है वो छुप सकता है, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सेम टैटू जो लेग्स के ऊपर होते हैं, अगर वो जिस कंपनी में आप काम करने वाले हो वहां विजिबल है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर विजिबल नहीं है उनकी यूनिफॉर्म पहनने के बाद, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहां से मैं शुरुआत करती हूं कि टैटू का एक सर्टन आंसर मैं नहीं दे पा रही हूं। उसका रीजन ये है कि टैटूज के जो दिखने के हालात हैं, वो तो जिस कंपनी में आप जा रहे हो जहां की आप यूनिफॉर्म पहनोगे, वो वहां के अकॉर्डिंग ही वो चीज डिसाइड हो पाएगी कि आपको वो टैटू वहां पे जहां पे आपके है अलाउड है या नहीं। क्योंकि आप मुझसे पूछते हैं, मैं उसका एक सर्टन जवाब आपको नहीं दे सकती। नाउ कुछ एक एरियाज हैं जहां पे टैटूज बिल्कुल अलाउड नहीं है। नाउ इफ यू हैव अ टैटू ऑन योर फेस, ऑफकोर्स फेस आपका विजिबल है, इट्स अ प्रॉब्लम। अगर आपकी नेक के ऊपर है जहां पे नजर आएगा आपका टैटू, तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। हाथ के ऊपर, आपकी उंगलियों के ऊपर टैटू है, तो इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि हाथ आपके हमेशा विजिबल होंगे। आप 24 घंटे ग्लव्स पहन के तो कंपनी में नहीं आप काम करेंगे। तो डेफिनेटली अगर आपके हाथ के ऊपर, फिंगर्स के ऊपर, आपके रिस्ट के ऐसे पार्ट के ऊपर है जहां पे यूनिफॉर्म के बाद आपका टैटू नजर आ रहा है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो अगर आप टैटू रिमूव करवा लेते हैं तो भी उसका जो मार्क है वो रह जाता है। अगर टैटू रिमूवल के बाद कोई मार्क नहीं रहता है, देन स्टिल यू कैन बी एक्सेप्टेड एज कैबिन क्रू। लेकिन डिपेंड करता है कि दाग कितना बड़ा है, या वो छुप सकता है या वो नहीं छुप सकता है। तो ये दो पहलू हैं, इसको आप गौर से थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि ये जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग कैबिन क्रू बनना तो चाहते हैं, लेकिन उन्होंने पहले टैटू बनवा लिया शौक शौक में, और अभी वो टैटू को रिमूव करवाना चाहते हैं। अगर वो रिमूव करवा लेते हैं तो उसका दाग बहुत बड़ा रह जाता है, तो इट्स अ प्रॉब्लम। तो उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता और वो इतने पैसे भी बर्बाद कर लेते हैं। तो कहां पे एक लाइन ड्रॉ की जाए? लाइन यहां पे ड्रॉ की जाए कि अगर कभी भी कोई भी ऐसा यंग टीन या टीनेजर लड़की सोचती है कि उनको इस प्रोफेशन में आना है, सो अवॉइड हैविंग अ टैटू। आई विल से डोंट हैव अ टैटू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, आप लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि टैटू मेरे आर्म के ऊपर है तो मैं यहां पे कैसे काम कर रही हूं। हमारी कंपनी में टैटू होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज वो विजिबल नहीं है। जब मैं अपनी कंपनी की यूनिफॉर्म पहनती हूँ, वो टैटू विजिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी बाजू की मेरी जो है जैकेट होती है, इतनी बाजू की मेरी शर्ट होती है, तो मैं जब भी यूनिफॉर्म में हूँ वो मेरा टैटू जो है वो दिखता नहीं है, विजिबल नहीं है, जिसकी वजह से मैं टैटू मैंने बनवाया था। मुझे भी शौक था टैटू बनवाने का, और मैंने अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले बनवाया है। इट वॉज नॉट देयर सिंस आई ज्वाइंड। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो टैटू नहीं था। तो अगर आपकी बॉडी पे टैटू होता है और एयरलाइन आपसे पूछती है कि टैटू है, तो आपको डिक्लेयर करना चाहिए कि है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। सो प्लीज डिक्लेयर दैट यू हैव अ टैटू, दैट्स वन। सेकेंडली, अगर आपको श्योर है कि उस कंपनी में जहां आप जा रहे हैं अगर उनकी यूनिफॉर्म पहनने के बाद आपका टैटू विजिबल नहीं होने वाला है, तो देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं।
तो ये था टैटू एंड मोर जो मैं वीडियो बनाना चाहती थी आप सबके लिए. आज मुझे मौका मिला तो मैंने बना दी है. तो प्लीज डोंट बी स्केयर हैविंग अ टैटू, और इफ यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट वेयर यू वॉन्ट टू हैव अ टैटू, प्लीज डोंट हैव अ टैटू अनटिल यू गेट अ जॉब. या तो अपनी जॉब करने के बाद आप अपनी कंपनी से अप्रूवल ले सकते हैं अगर वो आपको अप्रूव करते हैं या नहीं करते हैं टैटू के लिए. एक कंपनी है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनके वहां पे आपकी बॉडी में कहीं पे भी टैटू है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते. वो एयरलाइन गल्फ की ही एक एयरलाइन है, यहीं आसपास ही हमारे के कहीं की एयरलाइन है, उनका नाम क्यू से शुरू होता है. तो प्लीज बी केयरफुल अगर उस एयरलाइन में आप जा रहे हैं तो वहां टैटू बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, चाहे बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर भी हो वो आपको हायर नहीं करेंगे. सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दैट. हैविंग अ टैटू इज फन, बट प्लीज सोच समझ के बनवाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, सिर्फ हमारा ही डिपार्टमेंट नहीं, कैबिन टू डिपार्टमेंट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे अगर आपके बॉडी के किसी हिस्से के ऊपर भी टैटू है इट इज अ प्रॉब्लम. सो बी थॉटफुल, बी यू नो स्मार्ट इन दीज थिंग्स, डोंट जस्ट गो एंड हैव अ टैटू, थिंक अबाउट इट. यू नो हर चीज का एक टाइम होता है. मैं किसी की यहाँ पे यू नो वो नहीं बनने की कोशिश कर रही कि एडवाइस दे रही हूँ, सजेशंस दे रही हूँ, बट या आई एम ट्राइंग टू गिव यू गाइज अ वे जिससे आप आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी जॉब में आने वाले वो आप अवॉइड कर सकते हो. सो चलिए दोस्तों, मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा. आई होप कि आपके जो क्वेश्चन थे टैटू से रिलेटेड वो क्लैरिफाई हो गए होंगे. अभी प्लीज मुझे ये लिखना बंद कीजिए मेरे नाक पे टैटू है, मेरे फेस के ऊपर टैटू है, मेरे हाथ के ऊपर टैटू है, बिकॉज हाउ कैन आई जज ऑन द एयरलाइन बिहाफ. ओनली आई कैन गाइड यू गाइज के टैटू के रूल्स जो मैंने सुने हैं या देखे हैं या इंटरनेट से जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है वो सारी ये है, या मेरी कंपनी में जो टैटू के रूल्स हैं वो ये हैं. मैं आपके साथ सिर्फ यही शेयर कर सकती हूँ. तो चलिए दोस्तों, मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आप सबसे विदा, और फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ. डेफिनेटली जल्द ही मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे आपस में. सो बाय दोस्तों.